सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ई चैनल। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कनाडा में मेरी फर्स्ट स्नो जो हो रही है अभी। तो आपको मैं रियर कैमरा से दिखाता हूँ और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सो गाइज, ये देखिए पहली स्नो हो रही है और मेरे स्वेटर पर भी पूरी स्नो जम गई है। बहुत ठंड हो रही है। ये मेरा पहला स्नो है कनाडा में और अभी मिसिज आगा माल्टन का एरिया है। ये बहुत तेज आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा तेज स्नो पड़ी है और रूफ के ऊपर भी अब जमने लग गई है स्नो। ये देखिए गाइस, ग्रास पे भी सारे में स्नो हो गई है और धीरे धीरे अब ये भी जम जाएंगे सारे। क्रिसमस ट्री के शेप में होते हैं पूरे ये पेड़, वो भी अब धीरे धीरे पूरे व्हाइट हो जाएंगे। और ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे तो अभी से ही व्हाइट हो गया है। बहुत ठंड हो रही है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये है पहली स्नो और हमारे पैरों के निशान भी पड़ते जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, पूरी बर्फ से जम गई है। और ये देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर। सो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सो गाइस मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडे हो गए, जम गए मेरे हाथ। ये देखिए, चलिए चलते हैं अंदर जल्दी से। सो गाइज ये वाला है ओरिजिनल विंटर जैकेट, वो वाला जो था वो तो सिंपल सा था तो इसीलिए मेरे को चेंज करना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। जब मैंने बर्फ को ऐसा हाथ में लिया तब बहुत, मतलब हाथ मेरे जम गए थे, इसीलिए मेरे को चेंज करके आना पड़ा। और अब मैंने पहन लिए शूज़ भी तो अब इतनी ठंड नहीं लग रही अभी। और अभी आपको टेम्परेचर दिखाऊँ मैं, करीब -3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी। और ये देखिए सारा कुछ जम गया है भाई। ये देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर। सो गाइस इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, NKV नुमान खान ब्लॉग्स को। मेरे मुंह में से भी धुआं निकल रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। सारी जगह पे बर्फ ही बर्फ हो रही है अब। और आपको मैं वो रूफ दिखाता हूँ, रूफ पे भी सारे में बर्फ हो रहा है। सो गाइस ये देखिए जो छत होती है उसको ऊपर भी जम गया है बर्फ। फिजिकली है सेकेंड टाइम स्नो, पहली बार आई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई थी जितनी अभी आ रही है। पहली बार आई थी संडे को लेकिन उस टाइम पे तो मैं जॉब पे था इसीलिए मैं ज़्यादा देख नहीं पाया और वीडियो भी मैंने शूट नहीं की। और अभी मैं घर पे ही था और स्नो आ गई तो हमारी ये विंटर की पहली स्नो है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी तो ठंड भी लग रही है और मज़ा भी आ रहा है। आगे आगे देखते होता है क्या। और मेरे हाथों में फिर से ठंड लगनी शुरू हो गई है। ये जितने हाथ हो गए देखिए कितने ज़्यादा कड़क हो गए, मेरे हाथ जम गए ऐसा लग रहा है। इसकी कैप पहन लूँगा मैं तो और ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। और हाथों में है ग्लव्स भी लाने पड़ेंगे मेरे को, अभी तक मैं लाया नहीं हूँ ग्लव्स, तो वो भी ले आऊँगा तो ठंड कम लगेगी। आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ, उसे इंजॉय कीजिए। गाइज अब स्नो स्लो हो गई है और थोड़ी बहुत हवा चल रही है सिर्फ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है अभी। और मैंने ग्लव्स भी पहनने पड़े क्योंकि हाथ मेरे पड़ गए थे बहुत ही ज़्यादा सुन्न। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको मैं पीछे की साइड का व्यू दिखाता हूँ कैसा हो रहा है वो। तो गाइज ये देखिए पूरे एरिया में बर्फ ही बर्फ हो गई है, पूरे में बर्फ जमी पड़ी है। यहाँ पे देखिए सारा वाइट वाइट हो गया है पूरे में, ये एरिया भी वाइट हो गया है, इस साइड भी। और ये देखिए पूरे में बर्फ से पूरी, ये देखिए गाइस पूरा बर्फ ही बर्फ हो रहा है इधर, चेयर पे भी टेबल पे भी। तो ये है अभी कुछ बर्फ के मज़े। ये कार पे भी देखिए कितना ज्यादा बर्फ जम गया है, आप देख सकते हैं।
गाइस ये देखिए -1 डिग्री अभी हो रहा है मिसिसागा में, और फील्ड लाइक्स मैं आपको दिखाऊं, फील्ड लाइक है -6 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। सो गाइस मैं आ गया हूँ मेरे घर पर। काफी ज्यादा बाहर ठंडी हो रही थी और स्नो अब धीरे धीरे रुक गई है, ठंड लेकिन बहुत ही ज्यादा हो रही है। ये वाला जो जैकेट है, ऐसे जैकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि ठंड धीरे धीरे अभी तो और बढ़ेगी, -30 डिग्री तक जाने वाला है टेम्परेचर, इसीलिए ऐसे जैकेट तो लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे को लाने पड़ेंगे हैंड ग्लव्स, स्नो शूज, साथ में मेरे को लाने पड़ेंगे सॉक्स वगैरह, जो भी इनका सामान होता है स्नो का, पूरी किट लानी पड़ेगी। और मेरे हाथों की उंगलियां ऐसी जम गई थी और अगेन सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था क्योंकि सारे में कट्स हो गए, ऐसा लग रहा था बहुत ही ज्यादा ठंडे हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी ने जकड़ लिए है मेरे उंगलियों को। और गाइस अच्छा है मैं तो समर के टाइम पे कनाडा में आया, नहीं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड है। और गाइस जो भी नवंबर इंटेक में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से आने वाले है वो पूरी तैयारी से आना क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड होने वाली है अभी तो आगे। और साथ में गाइस अभी ठंड आ गई है तो कनाडा में शाम के 5 बजे सनसेट हो जाता है और एकदम अंधेरा हो जाता है, 5 बजे से भी ऐसा लगता है रात के 7-8 बज गए हैं। और गाइस जब मैं मई में आया था तब तो सनसेट रात के 9:30 बजे होता था और अभी तो शाम 5 बजे सनसेट हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है मेरे को अभी तो। और मैं आपको एक फनी बात बताऊं, जब मैं शिफ्ट के लिए जाता हूं तब सुबह 6 बजे जाता हूं तब भी अंधेरा होता है, और शाम को 7 बजे घर पे आता हूं तब भी अंधेरा होता है, मतलब पूरा दिन रात दिन जब भी देख लो तब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है मेरे को, देखने को ही नहीं मिलता मेरे को दिन कहाँ है। तो मेरे को शिफ्ट पे जाने से पहले 10 मिनट पहले सारा कुछ पहनना पड़ेगा, स्नो शूज, ग्लव्स, सॉक्स वगैरह सारा कुछ पहनना पड़ेगा, जैकेट हो गया, टोपी हो गई, तो सारा कुछ पहनने के लिए मेरे को और 10 मिनट अब जल्दी उठना पड़ेगा। और ठंड के मौसम में बहुत ही ज्यादा नींद आती है, आपको तो पता ही होगा। तो गाइस बस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा है आई नो, लेकिन जब मैं शिफ्ट पे जाऊंगा तो पूरी डिटेल बताऊंगा कैसा रहता है मेरे को, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शाबाश।